दोस्तों मुझे पता है कि जिन स्टूडेंट्स को मेरे ऊपर विश्वास है उन्हीं ने मेरा वीडियो खोला होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ग्रेड वालों को। ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपका सिलेबस आपको पता है कि नहीं वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए अभी। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर ये है कि भारत और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं, व्यक्तियों, यहाँ पे देख सकते हो व्यक्तियों और वर्तमान मुद्दों में भारत के स्थान। अब देख सकते हो आप व्यक्तियों में, यानी कि मुकेश अंबानी जी का, अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या नाम आया है। तो दोस्तों देखिए वीडियो को मैं शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करना आप इस वीडियो को। तो देखिए फॉरेन पॉलिसी पत्रिका, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी पत्रिका, ये जो प्रमुख 100 लोग होते हैं जो वैश्विक चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं उन लोगों की ये सूची जारी करती है फॉरेन पॉलिसी पत्रिका। उसने टॉप 100 वैश्विक चिंतन में जो है अपने मुकेश अंबानी जी को स्थान दिया है। इसका स्थान कौन सा है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ये आएगा कि टॉप 100 या फिर प्रसिद्ध 100 वैश्विक चिंतन में अपने भारत के किन का नाम आया है, तो वो है अपने मुकेश अंबानी जी का। दोस्तों ये बड़ा सवाल है, और मुकेश अंबानी जी वो है जो भारत के अंदर स्मार्टफोन क्रांति लाने वाले कौन थे, ये थे मुकेश अंबानी। इनके आने के बाद में ही ये जो क्रांति भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इसने मतलब कि यहाँ पे फैल गई है, ये देख सकते हो दोस्तों। ये आपके एग्जाम के अंदर सवाल आने वाला है, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, हालांकि मैं एक सिलेबस का अलग से करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी ऐसा कुछ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।